हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस चैनल पे। मैं बहुत दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, माफ़ी चाहता हूँ इसके लिए। आज सोचा बनाऊँ, थोड़ा मेरा तबीयत ख़राब था इसके कारण मैं कर नहीं पा रहा था, अपलोड नहीं कर पा रहा था वीडियोस। से वापस अपलोड होते रहेगा वीडियोस। ये मेरे पास चाइना का स्काईवॉल का 39 इंच का टीवी आया है। इसमें नो पिक्चर का फॉल्ट है, खड़े खड़े लाइन्स आ रहे हैं। आइए चेक करते हैं क्या इसमें इश्यू है। आइए इसमें मॉडल नंबर पहले देख लीजिए आप। इधर देखो, आ जाओ। इसमें ये कोड देखो वहाँ पे, ये पांडा का 39 इंच का पैनल है। इसमें क्या फॉल्ट है वो देखिए आप पहले। इधर भी देखो, इधर देखो, ये 2+2 का कफ लगा हुआ है इसमें। मैं अभी प्लग दे रहा हूँ, प्लग इन कर रहा हूँ, देखते हैं इसमें क्या फॉल्ट है। ये देखिए नो पिक्चर है, बैकलाइट आ रहे हैं इसमें। अभी देखिए, ध्यान से देखिए, इसमें लाइंस आ गए, खड़े खड़े लाइंस आए। इसमें बहुत टाइप के इसमें फॉल्ट्स आते हैं। ये जब भी अगर खड़े खड़े लाइंस आए, ये खड़े खड़े लाइंस आएंगे, लाइंस आपका घूमते रहेगा, कभी इधर से उधर जाएगा, उधर से इधर आएगा, मूवमेंट में रहेगा। मूवमेंट में रहा तो विजुअल सेक्शन का इसमें प्रॉब्लम आता है। ये आपका कोई सप्लाई आप मिसिंग रहेगा तो ये फॉल्ट आता है। आइए देखते हैं इसमें ये क्या चीज़ का फॉल्ट है। देखिए पूरे में लाइन्स आ रहा है, ये देखिए इधर भी लाइन्स आ रहा है। आइए मैं वोल्टेज मेजर करा रहा हूँ आपको, कितने कितने वोल्टेज आ रहे हैं। ग्राउंड मैंने यूएसबी में एक ग्राउंड दे दे रहा हूँ। अभी देखिए ट्वेल्व वोल्ट प्रेजेंट है। जरा ये देखिए, इधर वीजीएल है -6.2, स्टेबल वोल्टेज है, कोई फ्लक्चुएशन नहीं, कोई कुछ भी नहीं। इधर आया, ये वीजीएच आ गया 28.75 वोल्ट, ये भी परफेक्ट है। ये देखिए 15.60 वोल्ट, ये आपका वीकॉम 7 वोल्ट, सब वोल्टेज इसमें प्रॉपर है, फिर भी ये लाइंस आ रहे हैं इसमें। ये लाइंस क्यों आ रहे हैं? ये जो पांडा पैनल है ना, ये पांडा पैनल में साइड कफ दिया जाता है, साइड कफ से कोई सप्लाई मिसिंग रहेगा तो ये लाइंस आते हैं। आइए जैसे सप्लाई मिसिंग है एक एक करके चेक करते हैं। मैं अभी बंद कर रहा हूँ, पहले पैनल को ओपन कर लेते हैं, बैक कवर इसका ओपन करते हैं।
इसको बहुत सावधानी से ओपन करना रहता है। इधर देखो, देखिए फ्रेंड्स, कोई इधर कुछ भी शॉर्टिंग नहीं है, देखिए कुछ भी जला हुआ नहीं है। क्या होता है, कभी कभी जलता है तो भी ये प्रॉब्लम आता है, या ट्रैक मिसिंग रहेगा तो भी ये सब फॉल्ट आते हैं। कोई कफ शॉर्ट नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। देख लीजिए, कोई शॉर्टिंग नहीं, कुछ भी जला नहीं, कोई धब्बा नहीं। इसमें ये देखिए, दो साइड कफ दिया जाता है। अभी इसका ये साइड कफ का नंबर हम लोग गूगल से निकालेंगे और इसका डाटा शीट पहले निकालेंगे, फिर चेक करेंगे इसमें कौन से सप्लाई बन रहे हैं और नहीं बन रहे। फ्रेंड्स, पैनल के काम में है ना, बहुत सावधानी आपको बरतना पड़ेगा, क्योंकि बहुत नाजुक होता है पैनल। एकदम सेफली इसको निकालिए और इसको उल्टा करके डालिए, फिर आपको काम करने में सही रहेगा। फ्रेंड्स, इसमें पहले चेक करते हैं ऊपर से कि कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। इसमें कोई शॉर्टिंग नहीं। इस कफ में भी कोई शॉर्ट नहीं है। अब ये साइड कफ का नंबर नंबर मैं आपको बता देता हूँ, TAPE9517-08, ये इसका साइड कफ का नंबर है। अभी ये नंबर को हम लोग गूगल पे सर्च करेंगे। ये दिखाओ नंबर, दिखाओ ये। नंबर इसको बंद करो, देखता हूँ सही नंबर आता है कि उसको। तो 1 मिनट, ये देखिए, TAPE9517-08 ये इसका नंबर है। ये आईसी चिप फोन का आईसी है ये। इसको गूगल पे अभी हम लोग इसका डाटा शीट निकालते हैं। देखिए इसका डाटा शीट है ये।
इसका डाटा शीट है। अभी इसके हिसाब से हम लोग चेक करेंगे वन बाय वन, सब पे सब सप्लाई बन रहा है या नहीं बन रहा है। इसमें ये जो आपके ऐसे खड़े खड़े जो लाइंस आते हैं ना, अगर ये मूविंग नहीं कर रहे हैं लाइंस, तो ये वीजीएच का फॉल्ट आता है। ये वीजीएच सेक्शन में ये फॉल्ट जाता है। अगर लाइन आपका मूव कर रहा है, इधर से उधर जा रहा, उधर से इधर आ रहा, तो वीजीएल का। तो सबसे पहले हम लोग वीजीएच का सप्लाई चेक करेंगे, ये वीजीएच का कंटिन्यूटी इधर से बराबर जा रहा है या नहीं जा रहा है। ये कफ आईसी का डाटा शीट है। पहले हम लोग वीजीएच सप्लाई चेक करेंगे, क्योंकि जो स्टेबल जो लाइन रहते हैं ना खड़े खड़े, वो वीजीएच का रहता है। ठीक है, तो पहले ये देखिए, ये ऊपर से फोर्थ पॉइंट 29 वोल्ट, मतलब ये वीजीएच का सप्लाई है। तो हम लोग वीजीएच जिधर है ना, उधर थोड़ा सा कोई चीज़ से स्क्रैच थोड़ा करेंगे, हल्का सा, गम हल्के हाथ से। मैंने इधर छोटा सा स्क्रैच किया है अभी। हम लोग वीजीएच से कंटिन्यूटी लेते हैं। ये देखिए, इसका वीजीएच पॉइंट इधर है, इधर से हम लोग इसको कंटिन्यूटी लेते, देखते क्या आता है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये ओपन बता रहा है, मेगा ओम्स में बता रहा है, ओपन लाइन बता रहा है। ये ओम्स में बताना चाहिए, 30 ओम्स, 100 ओम्स, कुछ भी बताना चाहिए था ओम्स में, लेकिन ये नहीं बता रहा है, मतलब ये ओपन है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इधर से एक इसको जम्पर देते हैं। ठीक है, एक वोल्टेज फ्रेंड्स, हम लोग एक और वोल्टेज चेक करते हैं आपको चेक कराने के लिए, क्या बाकी ओम्स में बता रहा है क्या नहीं बता रहा है। अभी देखिए, -5.8 वोल्ट, ये आपका वीजीएल है। आइए वीजीएल से हम लोग कंटिन्यूटी चेक करते हैं। ये देखिए, नीचे का सबसे ऊपर वाला पॉइंट है, थोड़ा हम लोग इसको स्क्रैच करते हैं, फिर हम लोग वीजीएल से कंटिन्यूटी चेक करेंगे। चलिए, मैंने स्क्रैच किया, अभी वीजीएल, ये देखिए इधर वीजीएल पॉइंट है, एक पॉइंट मैंने वीजीएल पे दिया, एक पॉइंट इधर वीजीएल पे दिया। फ्रेंड्स ये भी नहीं बता रहा है, मतलब ये भी आपका ओपन है। नहीं बता रहा है। ये देखिए, ये पॉइंट पे नहीं बता रहा है, एक वीजीएल ऊपर भी है, ये देखिए -5.9 वोल्ट, ये वीजीएच के ठीक ऊपर वाला पॉइंट। ये देखिए, इधर मैंने स्क्रैच किया वीजीएल के ऊपर वाला पॉइंट, अभी यहाँ से एक पॉइंट ले रहा हूँ, कंटिन्यूटी चेक करते हैं वीजीएल पे। ये देखिए फ्रेंड्स, क्या रीडिंग, क्या है रीडिंग बताओ, रीडिंग रीडिंग बताओ। देखिए, ये 104 ओम्स, मतलब विजियल कफ में, वरसाइड कफ में बराबर जा रहा है। तो मेरे ख्याल से इसमें जो फॉल्ट है, ये विजियच का फॉल्ट है। तो हम लोग विजियच से एक जम्पर देते हैं इस पॉइंट पे, और फिर चेक करते हैं टीवी में पैक करके, चेक करते हैं क्या आ रहा है।
देखिए फ्रेंड्स, वीजीएच एक सोल्डर किए और एक इधर, इसको थोड़ा अच्छे से स्क्रैच कर लेता हूँ। एक पॉइंट मैंने उधर दे दिया वीजीएच पे, दूसरा पॉइंट मैंने इधर दे दिया। अभी हम लोग चालू करके देखते हैं, टीवी में डाल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम, कुछ सुधार हुआ है या कुछ और प्रॉब्लम है। फ्रेंड्स एकदम सही से बैठाना रहता है पैनल को, बहुत क्योंकि बहुत नाजुक है ये, सही से चेक कर लीजिए प्रॉपर बैठा के नहीं बैठा। और फिर इसको कनेक्शन देके हम लोग पहले चेक करते हैं प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हुआ या कुछ और इश्यू है इसमें। ये मैंने प्लग इन दिया, चालू किया। फ्रेंड्स देखिए आपके सामने स्काई वॉल आ गया। ये देखिए पूरा परफेक्ट हो गया, कोई लाइन नहीं, कोई कुछ नहीं, प्रॉपर ये टीवी बन गया। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आशीर्वाद दीजिए, और ऐसे अच्छे अच्छे वीडियोस डालते रहूँ मैं। देखिए फ्रेंड्स तो ये चालू हो गया अभी। ये फ्रेंड्स ये टीवी अभी प्रॉपर ओके हो गया है। अभी जो हम लोग ने इसमें जो जम्पर दिया है, ये जम्पर इसको क्या करने का है ना, प्रॉपर इधर कांच के जो ब्लैकआउट एरिया है उधर प्रॉपर तरीके से टेप मार के इसको अच्छे से चिपकाना रहेगा, टेप को जो ये कांच में नहीं दिखे, ब्लैकआउट एरिया जो रहेगा उधर ही आपका ये दिखना चाहिए, अंदर में रहना चाहिए। और इसको टेप मार के और आप दे सकते हैं, कोई इशू नहीं आएगा, प्रॉपर तरीके से बन गया है। मैं दिन में वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, वो काम रहता है। अभी रात के 2 बजने जा रहा है, मैं 2 बजे रात को फ्री रहता हूँ तो मैं सोचा वीडियो बना के डालूँ, टेक्नीशियन भाई लोग को हेल्प होगा। एक 45 हो गया फ्रेंड्स, रात हो गया है, बहुत सारे अभी वीडियोस आते रहेंगे। गुड नाइट, टेक केयर।